अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन अकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अजीज़ तलबा, आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की जानब से अचानक से एकदम से बहुत ही बड़ा जो है मैसेज यहाँ पर सामने आया, जो मेरे जराए से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे और बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे, तो यार आपको ज़रा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो फौरन से पहले आपको YouTube चैनल ब्रेन अकेडमी के ऊपर आपको मिल रही है। और इंशाल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है आप तमाम तर स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और मुझसे जितना हुआ मैं आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूंगा। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। लाइक के आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी। और खैर, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अजीज़ तलबा, इसमें मैं आपको यहाँ पर क्लियर और वाजे बता दूँ, ये उन तमाम तर बच्चों के लिए वीडियो बनाई गई है जिन बच्चों ने एंड टर्म असेसमेंट एग्जाम पेपर दिए हैं। वह उन बच्चों ने TCS के जरिए पेपर दिए थे या बाय पोस्ट या बाय हैंड उन बच्चों ने पेपर जमा करवाए थे, घर बैठ कर असाइनमेंट्स की तरह से उन्होंने लिखे और फिर उन्होंने जमा करवा दिए। यूनिवर्सिटी की जानब से ये फैसला क्यों चेंज हुआ है अचानक से, मैं यहां पर आपको कई वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी ऐसे काम करती रहती है। यू नो, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ये बात जानते हैं, यूनिवर्सिटी अक्सर क्या करती है, फैसले में चेंजिंग लेकर आती रहती है। वो बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि तलबा फेल ना हो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरी भी आप तमाम तर व्यूअर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दिल से दुआ है कि आप अपनी जिंदगी की हर नई ख्वाहिश में सक्सेस हासिल करें और स्पेशली एग्जाम में आपके ए ग्रेड प्लस मार्क्स आए। आमीन आमीन सुम आमीन। और आप तमाम तर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में भी आमीन लिखिएगा। मैं कोई इतना बड़ा आलिम तो नहीं हूं, खैर हो सकता है कि किसी नेक्स्ट स्टूडेंट्स की आमीन लिखने से मेरी दुआ कबूल हो जाए, और इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा भी लगाइएगा कमेंट बॉक्स में भी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जरूर लिखेगा। BA BCom के जो तलबे हैं, इन बच्चों के एग्जाम के जो मार्क्स हैं, जो रिजल्ट हैं, जो अपलोड किए जाएंगे, वो किए जाएंगे 9 तारीख को। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, यार 9 भी तारीख बताई गई है और 11 भी बताई गई है, सर 9 को होंगे या 11 को होंगे। BA और BCom के कंफर्म जो हैं, जो यूनिवर्सिटी की जानब से एग्जामिनर कंट्रोलर की जानब से अपडेट आई है, वो ये है कि इन बच्चों के जो रिजल्ट है वो 9 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ खैर, अगर इसमें कोई थोड़ी सी 19-20 चेंजिंग हुई तो वो मैं आपको फ़ौरन से पहले एक मैसेज दे दूँगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।